श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 11। यज्ञ दत्त कुमार को भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति तथा उनकी भगवान शिव के साथ मैत्री। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुनः पूछा, भगवान भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या किया, यह सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा ही कौतूहल है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत गए और कुबेर की उनके साथ किस प्रकार मैत्री हुई, यह सब सुनाता हूँ। कापिल्य नगर में यज्ञ दत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे जो बड़े सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। पिता ने अपने उस पुत्र का त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहाँ उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राण दंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहां आ पहुंचे और उन्होंने उनके बंधन से छुड़ा दिया। शिवगणों के संग से उसका हृदय शुद्ध हो गया था, अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहाँ सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वह कलिंग राज अरिंदम का पुत्र हुआ। वहाँ उसका नाम था दम। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालक के साथ शिव का भजन किया करता था। वह क्रमशः युवा अवस्था को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्मों का प्रचार करने लगे। भूपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था। ब्राह्मण समस्त शिवालयों में दीप दान करके अतिरिक्त वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्रामाध्यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दे दी कि शिव मंदिर में दीप दान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस ग्रामाध्यक्ष में के गांव के पास जितने शिवालय हों वहां वहां बिना कोई विचार किए सदा दीप जलाने चाहिए। आजीवन इस धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय किया कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए और दीप दान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलवाए और उसके फलस्वरूप जन्मांतर में वे रतनमय दीपों की प्रभा के आश्रय हो अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधना समय अनुसार महान का फल देती है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र जो सदा सब प्रकार के अधर्मों में ही रचा रचा रहता था, देव योग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने सर्वार्थवश अपने कपड़ों की दीपक की बत्ती बनाकर उससे प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर अंधेरा दूर कर दिया। इस सब कर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हुआ। फिर दीप की वासना का उदय होने से शिवालयों में दीप जलवाकर उसने यह दिक्पाल का पद पा लिया। मुनीश्वर देखो तो सही, कहाँ उसका वह कर्म और कहाँ वह दिक्पाल की पदवी जिसका वह मानव धर्म प्राणी इस समय यहाँ उपभोग कर रहा है। तात यह तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बताई गई है। अब एकचित होकर यह सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। मैं इस प्रसंग का तुमसे वर्णन करता हूँ। नारद जी, पहले के पद्म कल्प की बात है। मुझे ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य से विशर्वा का जन्म हुआ और विशर्वा के पुत्र वैष्णव अर्थात कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघ वाहन कल्प आरंभ हुआ, उस समय वह यज्ञ दत्त का
जो प्रकाश का दान करने वाला था कुबेर के रूप में अंतन दूसह तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित्त प्रकाशिका काशिकापुरी में गया और अपने चित्त रूपी रत्नमय प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मगन हो निश्चल भाव से बैठ गया। जो शिव की एकता का महान पात्र है ताप रूपी अग्नि से बड़ा हुआ है काम क्रोध आदि महाविघन रूपी पतंगों के आघात से शून्य है प्राण रोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा सदा रूपी पुष्पों से जिसकी पूजा की गई है ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल एक अस्थि और चर्म पात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदंतर विशाल लाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास गए। उन्होंने प्रसन्नचित अलकापति की ओर देखा और वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूटे काठ की भांति स्थिर भाव से बैठे रहे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापते में वर देने के लिए उदत हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ज्यों ही आंखें खोलकर देखा त्यों ही उमा वल्लभ भगवान श्री कंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदय काल के सहस्त्र सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गई, उनका तेज प्रतिहित हो गया और वे नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देवेश्वर शिव से बोले, हे नाथ, मेरे नेत्रों को वह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरणार बिंदों का दर्शन हो सके। स्वामिन, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। ईश, दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है। चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। कुबेर की यह बात सुनकर देवाधि देव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञ दत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले उमा की ओर ही देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप यह सर्वांग सुंदरी कौन है? इसने कौन सा ऐसा तप किया जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गया? यह रूप, यह प्रेम और यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा तब वामा के अवलोकन से उनकी बाईं आंख फूट गई और तदंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव हंसते हुए उनसे कहा, उमे, यह तुम्हारा पुत्र है, यह तुमसे क्रूर दृष्टि से नहीं देखता अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ, तुम निधियों के स्वामी और गुहाओं के राजा हो जाओ। सुव्रत यक्षों किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूँगा। मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूँगा। जाओ, आओ, इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो क्योंकि ये तुम्हारी माता हैं। महाभक्त यज्ञ दत्त कुमार, तुम अंत्यंत प्रसन्नचित्त से इनके चरणों में गिर जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव के पार्वती जी से फिर कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो, तपस्विनी, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती प्रसन्नचित हो यज्ञ दत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाई आंख तो फूट गई है इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर दिए हैं वह सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो बेटा। मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम
कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती जी के साथ अपने विशेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। ओम नमः शिवाय।